हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर ऑटोकैड। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल में। मेरा नाम है सोहेल खान। दोस्तों, आज हम सीखेंगे ऑटोकैड में 3D राउंड टेबल किस तरह बनाई जाती है, उसमें क्या क्या ऑप्शन, क्या क्या कमांड्स यूज होते हैं। तो चलते हैं ऑटोकैड में। दोस्तों, अगर आपने मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन पर टिक कर दीजिएगा ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन ईजिली मिलती रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं राउंड टेबल बनाना। तो सबसे पहले दोस्तों, हम जाएंगे यहाँ पे व्यू में। व्यू में जाने के बाद दोस्तों, हम यहाँ पे लेंगे फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में आने के बाद बेसिकली दोस्तों, हमें करना क्या है, जो हमारी राउंड टेबल होती है उसके जो नीचे का बेस है हमें पहले वो तैयार करना है। तो यहाँ पर मैं लाइन कमांड की हेल्प से पहले उसका नीचे का बेस बनाऊंगा। तो देखिएगा आप मैं किस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लाइन कमांड ली, लाइन कमांड लेकर मैं यहाँ पर एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ दोस्तों। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ये शेप बनाई है। बेसिकली यहाँ पर मैं कोई डायमेंशन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं विदाउट डायमेंशन इसको बनाकर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। आप चाहो तो इसको डायमेंशन के साथ भी बना सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैं दूसरी कमांड जो ले रहा हूँ वो है आर्क कमांड। उसकी शॉर्टकट होती है ARC स्पेस। उसके बाद मैं इस शेप को कंप्लीट करूँगा यहाँ पर इस तरह से। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक शेप बना ली है जो नीचे का बेस होता है हमारी राउंड टेबल का। बेसिकली अब करना क्या है दोस्तों, मुझे इसको 3D में बनाना है और इसको 360 डिग्री पे रिवॉल्व करना है। तो इसके लिए बेसिकली इसको मुझे एक लाइन में काउंट करना है। अभी आप देख सकते हैं ये अलग अलग लाइन में शोकेस कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं जॉइंट कमांड यूज़ करूँगा जो इसको जॉइंट कर देगी। इसकी शॉर्टकट होती है J स्पेस। इसके बाद दोस्तों, आपको इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके आपको स्पेस देना है। इसके बाद आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये एक लाइन में काउंट हो चुका है, एक ही लाइन में शोकेस कर रहा है। इसके बाद दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर व्यू में जाना है अगेन। उसके बाद आपको यहाँ इस व्यू में जाना है SW आइसोमेट्रिक में। उसके बाद आप देख सकते हैं आपकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको रिवॉल्व कमांड यूज़ करना है। इसकी शॉर्टकट होती है REV स्पेस। उसके बाद दोस्तों, इस कमांड को अप्लाई करने के लिए आपको इस लाइन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद आप नीचे वाले पॉइंट पर क्लिक करके इस माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे इस तरह से, सेकेंड पॉइंट पर। यहाँ पर ले जाकर आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, करना क्या है आपको, इसको 360 डिग्री डालना है। यहाँ पर मैं 360 डिग्री डालूंगा और देन जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, आप देख सकते हैं मेरी नीचे की जो टेबल के जो बेस होता है वो तो बन के तैयार हो चुका है इस तरह से। उसके बाद दोस्तों, मुझे करना क्या है, मुझे अगेन व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद मैं यहाँ पर टॉप व्यू लूँगा क्योंकि बेसिकली मुझे इसके ऊपर का जो बेस होता है वो बनाना है टेबल का। यहाँ पर मैं एक कमांड और यूज़ करूँ, सर्कल कमांड, जिसकी शॉर्टकट होती है C स्पेस। C स्पेस लेने के बाद दोस्तों, यहाँ पर मैं ये सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ जो मुझे बेस बनाना है। वो अपने साइज़ के हिसाब से आप रख सकते हैं जितना आपको लेना है। यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर कोई साइज़ नहीं लिया है दोस्तों। इस तरह से आप इसका एक शेप बना सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या, अगेन उसी व्यू में जाना है। इस तरह से यहाँ पर टिक करके उसी व्यू में आ जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। अब करना क्या है आपको दोस्तों, जो आपका जो बेस है इसको आपको एक्सट्रूड कमांड से थोड़ी सी इसकी थिकनेस बढ़ानी है। यहाँ पर जो एक्सट्रूड कमांड होती है उसकी शॉर्टकट होती है EXT स्पेस। उसके बाद आपको ये सर्कल सेलेक्ट करना है। उसके बाद राइट क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरह से ड्रैग करना है जिससे कि आप इसकी थिकनेस बना सकें। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कोई साइज़ नहीं लिया है। इस तरह से आप टिक कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये इसका जो टॉप बेस है वो भी तैयार हो चुका है। इसके बाद करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है 2D वायरफ्रेम का। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है कंसेप्चुअल का, इस पर क्लिक करते ही आपको दिखाई देगी टेबल आपको 3D में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये टेबल बनके यहाँ पर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैं 3D ऑर्बिट की हेल्प से आपको इसको चारों तरफ से दिखा देता हूँ घुमाकर। जो 3D ऑर्बिट की शॉर्टकट होती है 3D और स्पेस। उसके बाद आप देख सकते हैं माउस को इस तरह से ड्रैग करके कहीं भी इसको इसी डायरेक्शन में आप मूव करके देख सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा ऑटोकैड का नॉलेज जो हमने आपके साथ शेयर किया है। तो ये ऑटोकैड में 3D राउंड टेबल किस तरह बनाई जाती है, उसमें किस क्या क्या कमांड्स यूज होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए, मुझे फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब के चैनल को एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।